इफ आपके पास कैलकुलेटर है तो प्लीज कैलकुलेटर अपने पास रखिए। ओके, आई सपोज कोई डाउट नहीं है। ओके, सो इन अर्लियर क्लास वी हैव सीन द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बेस्ड डायोड्स और क्या रिस्पांस होता है उसका फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कनेक्शंस में, क्या उनके कट ऑफ वोल्टेजेस होते हैं और कैसे करंट और वोल्टेज वोल्टेज वेरी कराने पे करंट आपका वेरी करता है। उससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था और रेजिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट किए थे। रेजिस्टेंसेस में एक चीज मैंने ये नोटिस किया था कि जब फॉरवर्ड बायस का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जनरली बहुत ही स्मॉल होता है और रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। वो क्यों होता है? आप एक बार सोच के बताओ, इस ग्राफ को देख के बताओ कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बहुत कम क्यों होती है और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई क्यों होती है? क्योंकि सर बताइए। फॉरवर्ड बायस में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब चार्ज फ्लो करने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। और रिवर्स बायस में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं वोल्टेज के द्वारा, पोटेंशियल के द्वारा, और ठीक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के द्वारा करंट फ्लो होता है। ठीक है ठीक सर वन ठीक मोर है रीजन है सही सर, है। दूसरा तरीका एक और हो सकता है। बताइए बताइए सर डिप्लेशन मुराद। रीजन, डिप्लेशन रीजन जो होता है ना सर, वो कम हो जाता है फॉर फॉरवर्ड बायस। वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर आता है ना, हाँ तो डिप्लेशन रीजन कम होता है, कंडक्टिविटी अच्छा वही होता है वही, सर। मतलब कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्चुअली दोनों, हाँ जी हाँ जी, कॉन्सेप्चुअली दोनों रीजंस करेक्ट हैं जो आप दोनों ने बताया। बट इफ वी टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस कैलकुलेशन थ्रू बीआई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक से तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर याद हो तो प्लीज रिकॉल। किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बताइए। नहीं याद आ रहा है? ठीक मैं ड्रॉ करूंगा, आप बताते जाना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। स्लोप जनरली जब हम डिफाइन करते हैं तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स लाइन से स्लोप डिफाइन होता है। क्लियर है? दिख रहा है वाई इक्वल्स टू एम एक्स? प्लीज रिस्पॉन्ड। दिख रहा है? मैंने स्क्रीन पे जो लिखा है वो दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू। एम क्या डिफाइन करता है? वाई एक्स, ठीक है, क्लियर है। एम क्या है आपका? स्लोप, वाई बाई एक्स। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो वाई हमारा क्या है इस कैरेक्टरिस्टिक में? वाई कौन सा पैरामीटर है? बताइए। बताइए।
करंट वायर सर, कौन सा पैरामीटर करंट है? हाँ करंट, फॉरवर्ड करंट, ठीक है, करंट है। तो अगर वाई आपका करंट है देन एक्स क्या हो जाएगा आपका? वोल्टेज, ठीक है। सो वाई और एक्स का रिलेशन आपका ये गिवन है, ऐसे ड्रॉ हो रहा है ग्राफ इसका। तो एम क्या होगा? एम होगा वाई बाई एक्स। अगर वाई है आपका, ये वाई वाली पैरामीटर जो है ये आपका आई है, ठीक है, और एक्स आपका वी है, ठीक है, देन एक्सक्यूज एम जो होगा। हाँ मी बताइए। सर, सर आपका कर्सर क्या है वो नहीं अभी दिखाई दे रहा है, शो नहीं नहीं, हो जो रहा है, दिख रहा क्या है वो आप शो हो रहा किसको है पॉइंट कर रहे हैं? आपको? नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ वो शो हो रहा है आपको? ऑलरेडी वाई इक्वल्स टू एम एक्स मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, तो नो सर, यहाँ पे एक स्क्रीन प्रेजेंट हो मैंने रहा लिखा है है वाई मुझे, इक्वल्स टू एम एक्स। नो सर यहाँ पे एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है। यही मैं पूछ रहा था कि अगर शो हो रहा है तो बताइए। ओके अगेन, मैं इसको दूसरे तरह से प्रेजेंट करता हूँ। अब मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ किया मैंने लाइन, वो शो हो रहा है। यस यस सर, सर, हो रहा है। यस सर, ठीक है, यस यही पूछना चाह रहा था मैं। ओके थैंक यू। सो जब हम इक्वेशन लिखते हैं स्लोप की, स्लोप निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं? वाई इक्वल्स टू एम एक्स हमारा फॉर्मूला होता है लाइन का, यस सर। ठीक है। उस तो मोमेंट बीच में स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सो वाई इक्वल्स टू एम एक्स इसमें वाई पैरामीटर आपका क्या है? करंट, ठीक है, करंट है, और एक्स आपका है वोल्टेज, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से आपको क्या मिलेगा? एम की वैल्यू जो अगर आप निकालोगे, हाँ स्लोप मिल जाए। स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। सो स्लोप आपको क्या मिलेगा? एम इक्वल करेंट टू अपॉन वोल्टेज, करंट अपॉन वोल्टेज। सो जो एम आएगा आपका वो आएगा आई बाई वी, ठीक है, और वी अपॉन आई क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यहां से अगर आप इसको स्लोप को फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1/R, आर ठीक है, और मेन जो रिलेशन है स्लोप का वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से हम ये फाइंड आउट हुआ हमें। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, यस तो सर। अब आप ये देख के बताओ कि जो आपका ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे स्लोप कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगा, कम कम होगी, होगा। कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरवर्ड जब बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस में आपका जो स्लोप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और इक्विवेलेंटली हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है। क्लियर सबको? यस सर। अब यही केस अगर हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में अपना सपोज रिवर्स बायस केस में हम अगर देखते हैं इसको, तो रिवर्स बायस केस में आप यहाँ पे शो रहा है इस रीजन में, हम कहते हैं रिवर्स बायस केस में है। इसके बाद तो ऑब्वियसली ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन की हम बात ही नहीं कर रहे, हम इस केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या है, कम है कि ज्यादा है?
इस रीजन में। स्लोप क्या है बताइए? कम है, कम है। सबको क्लियर है कि डाउट है? देखो स्लोप क्या हम निकालते हैं, ये वाला पैरामीटर निकालते हैं, ये तो स्लोप होता है, इसके बीच का एंगल टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या आएगा? आई बाई वी, ये तो होता है। टेन थीटा क्या होता है? आई बाई वी, यहाँ पे वाई बाई एक्स, ये होगा ना। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कम है, स्लोप की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? थीटा की वैल्यू अगर कम है तो ऑब्वियसली टेन के केस में, ओके अभी आ रहा है, क्लियर है? यस सर, अभी वो क्लियर है, ठीक है। सो जब आप, तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो टेन थीटा आता है वो भी क्या होता है? स्मॉल होता है। ये क्लियर है सबको? यस सर, सबको क्लियर है। तो अगर tan स्मॉल है दैट मींस कि स्लोप आपका स्मॉल है। तो इस रीजन में अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर रीजन में, तो इस रीजन में आपका क्या है? स्लोप स्मॉल है और स्लोप स्मॉल है तो रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा। क्लियर है सबको कि फॉरवर्ड बायस में क्यों रेजिस्टेंस आपका कम होता है और रिवर्स बायस में क्यों ज्यादा होता है? सबको क्लियर है? यस सर, एक ही आवाज आ रही है सर। रिवर्स बायस में थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। ठीक है, देखो स्लोप हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेन थीटा से, एम एम से डिफाइन करते हैं। एम इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ये क्लियर है? बताओ हाँ या ना। सो वाई बाई एक्स से हम एम डिफाइन करते हैं, x m डिफाइन करते हैं। एक सेकंड, जस्ट टू मिनट। सो m इक्वल्स टू होता है आपका tan थीटा। ठीक है, तो m आपका tan theta होता है। theta जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपका slope कम होगा। तो यहां से अगर आप देखो तो theta निकालते हैं इन दोनों axis के बीच में जो curve cut कर रहा है उसका angle कितना बना रहा है horizontal से। तो generally horizontal से जो angle होता है उसको हम theta बोलते हैं। तो ये बात अलग है कि आप अगर इधर से मेजर करोगे तो ज्यादा आप कह सकते हो, बट जनरली हम करते क्या है कि tan theta के केस में आपका जो इस कोऑर्डिनेट में एंगल आता है और इस कोऑर्डिनेट में एंगल आता है वो एक दूसरे का माइनस साइन के साथ होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो साइन जो इनका होता है क्वाड्रेंट्स में, ए एस टी सी, ए मतलब यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पे केवल साइन वाले पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, साइन और कोसाइन सॉरी, और साइन और कोसेक सॉरी, साइन और कोसेक, और यहाँ पे टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक। ठीक है, ये सबको याद है? Yes, sir. ठीक है सर। तो यहाँ पे हम अगर नेगेटिव वाले टर्म को हटा दें, नेगेटिव वाले टर्म को, जो यहाँ पे थीटा जो आता है वही यहाँ पे माइनस थीटा हम लेते हैं, तो नेगेटिव वाले टर्म को हटा दें तो ये हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं टेन थीटा की। ठीक है, तो अगर टेन, अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल से जो बना रहा है कर, इफ इट इज स्मॉल देन tan थीटा की जो वैल्यू है वो भी स्मॉल होगी। क्लियर है सबको? यस सर। जब tan थीटा स्मॉल है दैट मींस कि स्लोप स्मॉल है। क्लियर है? और स्लोप स्मॉल है तो स्लोप अगर स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दैट मींस कि रेजिस्टेंस इस केस में ज्यादा होगा। अभी क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है? यस सर। ठीक, नाउ रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली, उसके बाद हम मूव करते हैं
बायोइक्विवेलेंट मॉडल्स की। तो जब भी हम अपना कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम डायरेक्टली डायोड से सॉल्व नहीं करते, हम क्या करते हैं डायोड का एक इक्विवेलेंट सर्किट उस पर्टिकुलर सर्किट में रिप्लेस करते हैं। तो वो कौन से इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं, ये तीन इक्विवेलेंट सर्किट है जो हम आगे स्लाइड्स पे देखेंगे। और उससे पहले जो हमारा डायोड का इक्वेशन होता है, डायोड का इक्वेशन यहाँ पे मैंने अपने इसमें भी डिस्कस किया था हमने जो लैब हुई थी, लैब सेशन अगर याद हो आपको, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम बोलते हैं शॉकले इक्वेशन, ठीक है शॉकले इक्वेशन बोलते हैं। शॉकले इक्वेशन क्या होता है, आई एफ रिलेटेड विथ वोल्टेज, आई एफ क्या है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट जो फ्लो हो रहा है थ्रू डायोड, फॉरवर्ड बायस में करंट जो फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल ऑफ डायोड्स, ठीक है या कह सकते हो कि पोटेंशियल अक्रॉस डायोड। तो जो डायोड के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है उसको आप वी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू डायोड उसको आप आई एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आई एफ का मतलब क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट कौन सी करंट होती है एक्सप्लेन करो, ये मैंने बताया रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है सर, जब बैरियर जंक्शन मतलब बहुत ही ज्यादा उसको बीच में गैप बढ़ जाता है और माइनॉरिटी चार्जेस उसको पास नहीं कर पाते तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और उसी को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। नहीं 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 ये नहीं होता, और कोई देखो याद करने का इसका एक यूनिक तरीका है, इसके नाम से ही आप याद करो कि कैसे हो रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। रिवर्स मतलब रिवर्स वोल्टेज, मतलब आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया है अक्रॉस डायोड, फिर सैचुरेशन मतलब एक कांस्टेंट, ठीक है एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, सैचुरेशन मतलब क्या होता है सैचुरेशन मींस एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट करंट है। तो जब आप डायोड के अक्रॉस एक रिवर्स बायस अप्लाई करते हो, जो रिवर्स बायस का केस हमने डिस्कस किया था बहुत पहले, ये वाला केस, तो रिवर्स बायस के केस में जब आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और रिवर्स सैचुरेशन करंट होते किससे, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है, ठीक है। तो जो आई एस की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे कि डायोड के अक्रॉस एक रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, और रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब रिवर्स सैचुरेशन करंट आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो रिवर्स आपका करंट हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जनरेशन कैसे होता है ये भी मैंने बताया था, कैसे होता है याद करो। यस सर, क्वेश्चन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का हम जनरेशन कैसे करते हैं? टेम्परेचर चेंज, चार फैक्टर मैंने बताए थे उसमें से एक टेम्परेचर चेंज था। टेम्परेचर हम देते हैं तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, याद करो, सब भूलता जा रहा है पुराना तुम्हें, किसी को याद आया? याद आया किसी को? हेलो, हाँ या ना, कोई तो बोलो। शुभ्रो, आदर्श, बिथिका, नितिन, अभिषेक, आकाश, सक्षम, क्या कर रहे हो आप लोग बताइए? रिवर्स सैचुरेशन करंट कैसे फ्लो होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये क्लियर है? यस सर। यस सर।
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे जनरेट होते हैं? यस सर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे जनरेट होते हैं? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ये याद है आपको? पीछे लेके जाना पड़ेगा। यस सर। वो स्लाइड अगर जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं आएगा। ये करियर जनरेशन कैन हैपन ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, फोटो एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन एंड इम्पैक्ट आयनाइजेशन। तो मैंने ये बोला था कि इम्पैक्ट आयनाइजेशन हम पढ़ेंगे जब हमारा ब्रेकडाउन डायोड्स पढ़ेंगे, उसमें हमें इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी का ये तीनों मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आप देते हो तो उसके थ्रू जो जनरेशन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जब आप डायोड पे फोटो मीन्स फोटॉन्स, मतलब आप एक एनर्जी सोर्स दे रहे हो, एक्सटर्नल लाइट दे रहे हो, लाइट गिरने से जो आपके करियर जनरेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं फोटो एक्साइटेशन। और एक जो पहला वाला था वो थर्मल एक्साइटेशन, वो कैसे होता है? टेम्परेचर हम देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो उसके थ्रू जो जनरेशन होता है करियर का उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्साइटेशन। याद आया? याद आया किसी को? यस सर। यस सर। ठीक है। सो थर्मल एक्साइटेशन से होता क्या है, आपका बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस अभी तक कर रहे थे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ऑब्वियसली जो आईएल्स की बात हमने की उस इक्वेशन में, वो आईएल्स क्या है आपका? सैचुरेशन। आईएल्स क्या है आपका? इसकी वैल्यू क्या होती है अगर आप इस फिगर से फाइंड आउट करना चाहो तो ये वाली वैल्यू होती है, ये जो कॉन्स्टेंट वाली आपको दिख रही है। ठीक है। सिलिकॉन के केस में अप्रोक्सीमेटली जीरो दिख रहा है और जर्मेनियम के केस में 1 माइक्रो एम्पियर अप्रोक्सीमेटली शो हो रहा है। क्लियर है सबको? ये वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। ये जो कांस्टेंट है ये सैचुरेशन वैल्यू है। ठीक है। तो आईएफ हमें पता चल गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है थ्रू डायोड दैट इज कॉल्ड एज आईएफ, फॉरवर्ड करंट। आईएस रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ईएक्सपी क्या होता है? ईएक्सपी क्या होता है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू द पावर, जो आप लिखते हो एक्सपोनेंट टू द पावर, तो ई टू द पावर वी एफ बाय एन वी टी, वी एफ बाय एन वी टी, ये शो हो रहा है आपको, दिख रहा है क्लियरली? रिज्यूम करो। यस सर। ठीक है। सो वी एफ होता है आपका वोल्टेज अक्रॉस डायोड, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने फॉरवर्ड बायस किया है तो उसके अक्रॉस जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं Vf। N आपका मटेरियल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपके मटेरियल पे, किस मटेरियल का आप डायोड यूज कर रहे हो। इफ इट इज जर्मेनियम देन N इक्वल्स टू 1, इफ इट इज सिलिकॉन देन N इक्वल्स टू 2। एंड Vt इज कॉल्ड एज टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज या थर्मल वोल्टेज। क्लियर है सबको? क्लियर है? yes. ठीक है। जो एक्सप्रेशन होता है टेम्परेचर के वैल्यू से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज, वो ये होता है Vt इक्वल्स टू K कैपिटल T मल्टीप्लिकेशन बाय Q। K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38×10⁻², जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। Q आपका चार्ज वैल्यू है, हमेशा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो भी आप हल कहो वो सेम रहता है 1.6×10⁻¹। बट जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका टेम्परेचर इन केल्विन है, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। जो भी हम टेम्परेचर यहाँ पे लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थर्मल वोल्टेज वो आपका टेम्परेचर इन केल्विन होगा। सो केल्विन में हम टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट करते हैं? कोई भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उसमें 273 प्लस एड कर देंगे। ठीक है। So, वहां से हमको
थर्मल वोल्टेज मिल जाएगा। नाउ जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो जो एट रूम टेम्परेचर जो हम बात करते हैं 300 डिग्री केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर हम जनरली 25 से 27 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, कहीं पे 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, कहीं पे 27 मानते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो थर्मल वोल्टेज जो आता है इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, तो टेम्परेचर जो आपका आएगा रूम टेम्परेचर पे वो होता है 0.025 और 0.026, यही दो वैल्यूज आती है। कहीं पे आप देखोगे, क्योंकि जनरली जो वैल्यू आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 0.0257, तो राउंड ऑफ करके वो क्या करते हैं 0.026 ले लेते हैं। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। एक ही आवाज आ रही है? यस मैम। यस सर। ठीक है, क्लियर है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मल वोल्टेज जो रूम टेम्परेचर पे वैल्यू हम लेते हैं वो या तो 25 मिली वोल्ट ले सकते हैं, मिली वोल्ट मीन्स 10^-3, या 26 मिली वोल्ट ले सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि थर्मल वोल्टेज की वैल्यू इज गिवन एज 26 मिली वोल्ट और 25 मिली वोल्ट। नहीं गिवन होता है तो आपको, अगर रूम टेम्परेचर गिवन है तो उस रूम टेम्परेचर पे आपको मान के चलना है कि या तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप 25 मिली वोल्ट ले लो या 26 मिली वोल्ट ले लो, बट जो भी वैल्यू लोगे उसको पहले आप एक बार लिख दोगे कि हमने इसको माना है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इतना इंस्ट्रक्शन सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ये आपका डायोड इक्वेशन है। अब जहां भी आपको ये पैरामीटर्स गिवन होंगे, लाइक ये आपको गिवन है आईएस रिवर्स सैचुरेशन के करंट गिवन है, और फॉरवर्ड वोल्टेज गिवन है, और आपको टेम्परेचर गिवन है कि किस टेम्परेचर पे हमें फाइंड आउट करना है करंट की वैल्यू, और उसके साथ साथ आपको मटेरियल भी गिवन है कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, देन यू कैन इजीली फाइंड द डायोड करंट। ठीक है, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द डायोड। अब हम मूव करते हैं डायोड इक्विवेलेंट मॉडल्स। तो शॉकले इक्वेशन गिव्स द एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। जो हमने देखा अभी, करंट और वोल्टेज में एक्सपोनेंशियल का रिलेशन था, बट एवरी टाइम व्हाइल यूजिंग डायोड्स इन द सर्किट वी डू नॉट नीड टू अप्लाई द एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट। सो हमेशा हमें जरूरत नहीं है करंट की वैल्यू उस तरह से फाइंड करने की, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। सो वी कैन अप्रोक्सीमेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड बाय रिप्लेसिंग द डायोड इन द सर्किट विद इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम करेंगे क्या, हम जो डायोड है डायोड को हम रिप्लेस करेंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। सो उसका इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्वियसली उसमें डायोड नहीं होगा, उसमें वोल्टेज रेजिस्टेंस का कुछ कॉम्बिनेशन होगा जो हम देखेंगे। In simple language, it simply means the diode in the circuit can be replaced by other elements without severely affecting the behavior of the circuit. तो ऐसा हमें सर्किट से रिप्लेस करना है डायोड को जिससे कि जो बिहेवियर है सर्किट का, मतलब जो करेंट फ्लो हो रहा है या जो वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट आ रहा है उस पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसे हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है हम क्या कर रहे हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ठीक है, नाउ द डायोड कैन बी मॉडल्ड इन थ्री डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। अब कैसी आपको एक्यूरेसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से हम तीन मॉडल्स में डिवाइड करते हैं इसको, उस सर्किट रिप्लेसमेंट को। एक है आपका आइडियल डायोड मॉडल, दूसरा है सिंप्लीफाइड मॉडल, तीसरा है पीस वाइज लीनियर मॉडल। ये तीन मॉडल्स हैं जिनके बीच हम डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि द डायोड वी आर यूजिंग इज आइडियल इन नेचर, तो आइडियल नेचर डायोड के लिए हमने क्या पढ़ा है, आइडियल में जैसे ही आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करोगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इसमें किसी भी कटिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
कटिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बताइए। कटिंग वोल्टेज क्यों नहीं रिक्वायर्ड होता है आइडियल केस में? माइनॉरिटी करंट नहीं है, माइनॉरिटी करंट नहीं है तो क्या होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, और जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे आपका करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में। रिवर्स के केस में भी माइनॉरिटी करंट नहीं है तो कोई भी जो करंट है माइनॉरिटी की वजह से फ्लो नहीं होगा, तो ऑलवेज जीरो होगा करंट रिवर्स बायस में। क्लियर है? यस सर। सबको ठीक है ना? जब फॉरवर्ड के केस में हम कह रहे हैं कि करंट फ्लो होने लगेगा, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है वोल्टेज की, कटिंग वोल्टेज की, तो इसका मतलब क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट, ठीक है, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो सारा का सारा फ्लो करेगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कटिंग वोल्टेज का। और करंट जीरो मीन्स क्या होता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब खुला हुआ, कहीं से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब हम रिवर्स बायस अक्रॉस डायोड अप्लाई करेंगे देन इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट, और जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे देन इट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। क्लियर है सबको? यस सर। अब जब हमने अपना प्रैक्टिकल किया था तो प्रैक्टिकल में डायोड को रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो हमने देखा था। सो डायोड के रिप्रेजेंटेशन में मैंने ये बताया था कि जिस साइड सिल्वर स्ट्रिप होती है, यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप से शो किया गया है, जिस साइड सिल्वर स्ट्रिप होती है उस साइड कैथोड होता है और उसके अपोजिट साइड एनोड होता है। तो मतलब एनोड वाला साइड आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और कैथोड वाला साइड आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो इस केस में अगर आप देखो, याद है आपको जो मैंने बोला अभी? याद है मैंने क्या बोला था लैब सेशन में? आई रिपीट, जिस साइड स्ट्रिप होती है उस साइड कैथोड होता है और जिस कैथोड का ऑपोजिट साइड क्या होता है? एनोड होता है। ठीक है, स्ट्रिप वाले साइड को कैथोड कहते हैं और ऑपोजिट साइड को एनोड कहते हैं। एनोड वाला आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर के साइड होता है और कैथोड वाला आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब कैथोड को, कैथोड मतलब एन साइड, एन साइड को हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं और पी साइड को हम नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो कौन सी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग होगी या रिवर्स बायसिंग होगी? रिवर्स। ठीक है, सो रिवर्स बायस के केस में क्या होता है? डायोड विल बिहेव एज ओपन सर्किट, ओपन स्विच, ओपन स्विच, ठीक है, ओपन स्विच, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब आप पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, और एन साइड जो कैथोड है उसको नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, एट दैट मोमेंट आपका क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मीन्स एक कंडक्टर को आपने कनेक्ट कर दिया बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया मतलब कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब जितना करंट यहाँ पे इस टर्मिनल पे आया है वही सेम करंट इधर भी पहुंचेगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये है आपका आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडियल डायोड मॉडल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ दिस आईवी कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आई हैव शोन हियर। यहाँ पे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी कटिंग वोल्टेज नहीं है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस को वीडी से रिप्लेस शो किया गया है, वीडी रिप्रेजेंट्स वोल्टेज अक्रॉस डायोड और आईडी रिप्रेजेंट्स करंट थ्रू डायोड। तो ये आपका आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका जो सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है जो रिप्लेस करोगे आप विद डायोड वो ऐसे करोगे। तो जब भी आप फॉरवर्ड बायस में आप डायोड कनेक्ट किए हो और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि डायोड इज फॉलोइंग आइडियल मॉडल, ठीक है, तो आइडियल मॉडल के हिसाब से डायोड को रिप्लेस करोगे फॉरवर्ड में शॉर्ट सर्किट से, और जब रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिप्लेस इट विद ओपन सर्किट।
सबको क्लियर होगा आई थिंक, क्लियर है सबको? ठीक है. Now, the next model is simplified model. Ideal diode model हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम प्रैक्टिकल डायोड के केस में स्विच करते हैं. प्रैक्टिकल डायोड में क्या होता है? सो प्रैक्टिकल डायोड में ऑब्वियसली कुछ माइनॉरिटी करंट होंगे जिसके वजह से आपका कुछ कटिंग वोल्टेज जनरेट होगा. कटिंग वोल्टेज जो भी होगा उस कटिंग वोल्टेज को हम उतने कटिंग वोल्टेज तक अगर हम वोल्टेज नहीं देते हैं क्रॉस डायोड, देन the diode will behave as open circuit. और जैसे ही उसके आगे हम वोल्टेज देते हैं तो it will behave as short circuit. तो उसी को इस ग्राफ से एक्सप्लेन किया गया है. Suppose इस particular point पे cutting voltage है, that is 0.7 in case of silicon and 0.3 in case of germanium. तो जब germanium होगा तो वहाँ पे 0.3 volt लगा और silicon के केस में ये 0.7 volt होगा. तो इस केस पे जैसे ही आपका वोल्टेज क्रॉस करता है सप्लाई वोल्टेज का, वैसे ही डायोड को आप रिप्लेस कर सकते हो शॉर्ट सर्किट से. बट इसके पहले क्या होगा, डायोड विल बिहेव एज ओपन सर्किट. क्लियर है सबको? क्लियर है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए ना. ठीक है. सो इस जैसे आपका ये वाला सर्किट में एक्सप्लेन करता हूं फॉरवर्ड बायस की. इस सर्किट में आप अगर प्रैक्टिकल आपको याद हो, प्रैक्टिकल में जब हमने किया था तो उसमें क्या किया था, सप्लाई वोल्टेज जो भी डीसी था उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे. 0.2 से लेके 5 वोल्ट तक हमने इंक्रीज किया था. अगर हमारा कटिंग वोल्टेज 0.6 था उस केस में, तो 0.6 तक जब तक हमने 0.6 नहीं दिया तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था. जैसे ही हमने 0.6 से ऊपर सप्लाई वोल्टेज दिया वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो गया. याद आ रहा है सबको? यस सर. ठीक है, तो वही केस हमने यहाँ पे देखा है. सेम थिंग यू कैन इंटरप्रेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ. इस ग्राफ में आप देखो जब तक आप 0.6 वोल्ट नहीं दे रहे हो तब तक आपका डायोड वर्क नहीं कर रहा है, मतलब डायोड इज बिहेविंग एज एन ओपन सर्किट. जैसे ही आपने 0.6 वोल्ट से ऊपर सप्लाई वोल्टेज दिया तो सप्लाई वोल्टेज जैसे ही आप ऊपर दोगे तो डायोड आप शॉर्ट सर्किट पाओगे. क्लियर है अभी? सर सिलिकॉन का जर्मेनियम का कटिंग वोल्टेज कितना बताया? सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 होता है. जर्मेनियम 0.3 0.7 लेते हैं, कहीं कहीं पर स्टैंडर्ड बुक्स में आप पाओगे कि 0.2 0.6 भी लिया जाता है. तो ऐसा नहीं है, आप दोनों से कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही माइन्यूट चेंज देखने को मिलता है, ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको. तो आपके ऊपर है कि कौन सा वोल्टेज आप चूज करना चाहते हो. इफ द वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू टेक दैट वैल्यू. क्लियर है? यस सर. यस सर. सो सिंप्लीफाइड मॉडल में क्या होता है कि हम जो डायोड है उसको क्या करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और आइडियल डायोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं. आइडियल डायोड मींस अब ऑब्वियसली जब आपका सप्लाई वोल्टेज 0.7 से ऊपर होगा तभी ये डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, और 0.7 से नीचे होगा तभी ये ओपन सर्किट होगा. जो यहां से आप देख सकते हो, अगर सप्लाई वोल्टेज 0.7 से ऊपर है तो शॉर्ट सर्किट. जो आपका आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक था वो फॉलो करेगा. अदरवाइज अगर आपका 0.7 से लेस है वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, देन इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, तो सिंप्लीफाइड मॉडल और आइडियल मॉडल में केवल एक ही डिफरेंस है, वो है आपका कटिंग वोल्टेज का. क्योंकि प्रैक्टिकल डायोड्स में हमें कटिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड एन एक्स्ट्रा बैटरी इन फ्रंट ऑफ आइडियल डायोड. तो ये आपका सिंप्लीफाइड मॉडल हो गया. अब जो लास्ट केस आता है पीस वाइज लीनियर मॉडल. सो पीस वाइज लीनियर मॉडल में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को भी ऐड कर देते हैं. तो ये रेजिस्टेंस हमारा जनरली स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है जो कि बहुत ही स्मॉल इन नेचर होता है. तो जनरली क्या होता है कि जो करंट फ्लो होता है उसका अगर आप रेजिस्टेंस से वैल्यू
को कैलकुलेट करूंगा देन वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल बी वेरी लो, ठीक है, वो इस 0.7 से भी इतना लो होगा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने सर्किट पे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जनरली जब हमारा प्रैक्टिकल डायोड का केस होता है तो हम सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करते हैं, और जब हमारा आइडियल डायोड का केस होता है तो हम आइडियल डायोड मॉडल यूज करते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस। तो जो मैंने अभी रेजिस्टेंस का पूरा खेल आपको समझाया था कि फॉरवर्ड के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है और रिवर्स के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वो यहाँ पे आप अपना अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली करंट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो बहुत ज्यादा करंट आप फ्लो करा नहीं सकते, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो बहुत ही माइन्यूट होगा, इतना कम होगा कि इसके कंपैरिजन में भी बहुत कम होगा, बहुत ही कम चेंज आएगा अगर इस 0.7 से कंपेयर करोगे तो। तो होता क्या है कि पीस वाइज लीनियर मॉडल में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं अलोंग विद बैटरी एंड आइडियल डायोड। तो जहां जहां भी हमारा क्वेश्चन में अगर कहता है कि यूजिंग पीस वाइज लीनियर मॉडल कैलकुलेट द पर्टिकुलर पैरामीटर ऑफ द सर्किट लाइक करंट ऑफ द सर्किट अगर फाइंड आउट करना है या वोल्टेज अक्रॉस की एनी सर्टेन इक्विपमेंट अगर फाउंड आउट करना है तो उस केस में हमें केवल ये वाला सर्किट रिप्लेस करना है डायोड से, तो जो डायोड होगा उसको रिप्लेस करके हम ये तीन एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, बैटरी, आइडियल डायोड और रेजिस्टर। क्लियर है? क्लियर है सबको? फिर से बता रहा हूं, जो भी सर्किट होगा हमारा सिंपल सा सर्किट होगा, उस सर्किट में हम क्या करेंगे, जो डायोड है, डायोड जैसे कनेक्शन है उसका, ये वाला पार्ट आपका एनोड का है तो एनोड का साइड यही होगा, एनोड साइड पे आपका पॉजिटिव सप्लाई का 0.7 होगा और दूसरा जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा, देन आइडियल डायोड का पॉजिटिव साइड इसी साइड होगा, देन रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा आपके प्रैक्टिकल डायोड से सर्किट में, आगे देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक असाइनमेंट शेयर करता हूं मैं, जो हमने कल प्रैक्टिकल में किया था डायोड का, वो सेम टॉपिक आपको मैं अगेन शेयर कर रहा हूं। सो गो टू द वीलैब्स, वीलैब्स में स्क्रीन शो हो रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस। सी एक मुझे मतलब बात आपसे पहले मैंने बताया था कि कभी भी आप जब मीटिंग में एंटर करो तो अपने नाम से एंटर करो, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करने में, आपसे क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा इजी रहता है। अब आप नाम चेंज करके एंटर करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब लाइक एक बंदा है मोटिवेशनल गुरुजी करके एंटर हुआ है, तो एज पर रूल मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो जब भी आप एंटर करते हो तो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो नाम है वो उस नाम से आप एंटर करो, ठीक है। नाउ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वेबसाइट पे इसकी लिंक भी मैं शेयर करता हूँ आपको इन द चैट बॉक्स। स्वरूप विश्वास इज आस्किंग कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विल कम इन मिड टर्म वन, आप डिसाइड करो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगा।
न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप न्यूमेरिकल करने जाओगे देन आई विल गिव द क्वेश्चन, अदरवाइज सारे जो सिलेबस डिफाइंड है उसी में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे। वैसे मैं मेरा सजेशन यही रहेगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा प्लस इतने आसान होते हैं कि अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जहां आप 10 मिनट दोगे पर्टिकुलर क्वेश्चन को थ्योरेटिकल लिखने को, और थ्योरेटिकल में जनरली पूरे मार्क्स भी नहीं मिलते अगर आपको पता हो तो, और न्यूमेरिकल में ये फायदा है कि अगर आपका आंसर करेक्ट है देन यू कैन इजीली फेच फुल मार्क्स। तो आप डिसाइड कर लो कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है यार, ऑनलाइन एग्जाम में कैसे पता चलेगा मुझे तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं मैं भाई पूछ रहा हूं कि हमेशा नहीं रहता रहता है वो, आपके पास कैलकुलेटर बिना तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते क्वेश्चंस, क्योंकि एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट टर्म को कैसे कैलकुलेट करोगे आप इजीली? ठीक है, क्लियर है सबको? सर इसमें से कौन सा असाइनमेंट करना है हम लोग को? जो मैंने शेयर किया है दिख रहा है आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड के अंडर एक टैब है असाइनमेंट करके। सर चारों करना है? यस सर। मैं बता रहा हूँ अभी इतना जल्दबाजी मत करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बाद आप करना। ठीक है, पहला वाला देखो, पहला वाला आपको दिया है डिराइव द आइडियल करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, तो ये हमें डेरिवेशन हमारे पार्ट में नहीं है, ये आप नेक्स्ट सेम में जब जाओगे जब आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला आपका न्यूमेरिकल है, इसमें आप देखो आप ट्राई करो, इजी है। प्लीज ट्राई करो सारे के सारे जितने भी हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ याना एक्सप्लेन करो प्लीज टेल मी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? यस सर। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड पोटेंशियल अप्लाइड किया जाता है एसआई डायोड को, और उसका रेजिस्टेंस जो है 1 किलो ओम है, तो अब जो है वह सीरीज में है डायोड के साथ, तो उसका करंट कितना होगा? वो जो रेजिस्टेंस दिया है वो सिलिकॉन डायोड का नहीं है, वो डायोड से अलग एक रेजिस्टेंस ऐड किया गया सर्किट में। तो अगर इस सर्किट को मैं लेट मी एक्सप्लेन इट, अगर उस सर्किट को मुझे अगर बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो सपोज एक पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, ठीक है, ये 10 वोल्ट का आपका होगा, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो शो हो रहा है आपको yes, sir. स्क्रीन पर? ठीक है, थैंक यू। इसके बाद एक डायोड है, फॉरवर्ड पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सिलिकॉन डायोड, ठीक है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम इज आल्सो इन सीरीज विद द डायोड, फाइंड द करंट। अब इसी को हमें क्या करना है, यहां से कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका सर्किट है, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका डायोड है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको फाइंड आउट करना है करंट, करंट जो इसके डायरेक्शन में होगा।
सर ये तो 12th ही वाला ना है। 12th वाला मतलब 12th में जो पीएन जंक्शन डायोड ये सब पढ़े थे उसमें करंट निकालने के लिए आया था तो मतलब हाँ, पढ़ाया तो इसका कैसे निकलेगा आपको पता है? नहीं सर वो सिलेबस से हट गया था तो वो निकालना नहीं सिखाया गया। ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करते हैं करंट वो हम कैसे करेंगे ये बता रहा हूँ मैं। तो ये सर्किट क्लियर है आपको कि कैसे बना सर्किट? अब मैं क्या करूंगा इसमें इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है केवल ये दिया है सिलिकॉन डायोड है सिलिकॉन डायोड है तो मैं क्या करूंगा कि जो सिंप्लीफाइड मॉडल था उसको इंप्लीमेंट करूंगा क्योंकि बाकी का सिलिकॉन डायोड का रेजिस्टेंस हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे इस वाले डायोड को रिप्लेस करके सिंपली एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जो आपका बैटरी है उससे कनेक्ट करेंगे और बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो 0.7 वोल्ट होगा। ठीक है ये आपका आइडियल डायोड हो गया और ये आपका 0.7 वोल्ट का बैटरी हो गया। क्लियर है सबको? मैंने क्या किया हाँ है ना सर? यहाँ जो 10 लिखे हैं वो भी बैटरी वो तो एक्सटर्नल सप्लाई है ना यहाँ पे जो दिया हुआ है अ फॉरवर्ड पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सिलिकॉन डायोड। ये 10 वोल्ट की जो बैटरी तो है डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड? हाँ वो फॉरवर्ड बायस ही तो होगा। क्या बोल रहा है आप? फॉरवर्ड पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल नहीं बोल रहा। ठीक है सर ठीक टर्म पढ़ रहा हूँ। ठीक है टर्म में सीधे लिखा हुआ है फॉरवर्ड पोटेंशियल। तो फॉरवर्ड पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सिलिकॉन डायोड मतलब फॉरवर्ड पोटेंशियल मतलब जो पी साइड ऑफ बैटरी है दैट इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ पीएन जंक्शन। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। ठीक है तो मैंने क्या किया कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे एक डायोड दिया हुआ था प्रैक्टिकल डायोड उसको मैंने सिंप्लीफाइड वाले डायोड सिंप्लीफाइड जो डायोड था सिंप्लीफाइड मॉडल था उससे मैंने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने पे हमारे पास सिंप्लीफाइड मॉडल में क्या होता है कि एक बैटरी कनेक्ट हो जाती है जिस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो डायोड का पी साइड होता है उसी साइड में होता है। ठीक है तो ऐसे आपको पॉजिटिव साइड होगा उस पर 0.7 वोल्ट की बैटरी वैल्यू होगी और आइडियल डायोड होगा। तो ऑब्वियसली जब करंट तभी फ्लो करेगा जब इस सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से बड़ी हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई है तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा और करंट की डायरेक्शन क्या होगी आप बताओ? क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी? सर क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा सबको क्लियर है? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? यस सर। क्योंकि वोल्टेज क्या है आपका 10 वोल्ट ज्यादा है तो 10 वोल्ट के थ्रू आपका करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। अब वो अगर मैं इसका केवीएल इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा सर? 10 - 1000 I - 0.7 = 0। 10 - 1000 I - 0.7 यस सर माइनस होगा क्योंकि ये प्लस माइनस जा रहा है बिल्कुल। ठीक है मेरा थोड़ा उल्टा कन्वेंशन है मैं तुम्हारा जस्ट ऑपोजिट करता हूँ। मेरा मतलब में क्या होता है कि जब नेगेटिव प्लेट पे मैं हूँ नेगेटिव प्लेट पे हूँ तो मैं नेगेटिव 10 वोल्ट लिखता हूँ उसको। ठीक है तो आप अपना यूज करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा ये -10 करंट आपका रेजिस्टेंस में जिधर भी फ्लो है उस डायरेक्शन में मैं आधा प्लस के साथ लेता हूँ तो ये प्लस जो करंट आपका होगा आई मल्टीप्लाइड बाई आर जो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू है 1K और यहाँ पे आपका बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इधर मैं प्लस 0.7 दूंगा। ठीक है 0.7 = 0।
सर मैं जैसे लिए वैसे कोई गलती नहीं है ना? नहीं कोई कोई गलती नहीं, कन्वेंशन बस साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है और कोई गलती नहीं, सब कुछ समझ में आया। आप भी जो लिए हो उसमें क्या किया, आप प्लस 10 वोल्ट लिए हो, माइनस आई आर लिए हो, माइनस 0.7 लिए हो, इक्वल टू 0 ही किए होगे आप भी। हां हां ठीक है। और मैंने जस्ट ऑपोजिट लिया है, मेरा जो कन्वेंशन है मैं वो ऐसे यूज करता हूँ क्योंकि मुझे इजी पड़ता है इस तरह से, मेरा जो प्रैक्टिस है वो ऐसे बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि जिधर के साइड बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी का प्लेट है, अगर वो पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव वोल्टेज लेता हूँ, अगर वो नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव वोल्टेज लेता हूँ। सो इफ यू सी इन दिस केस, तो यहाँ पे क्या है कि पहले अगर मैं इस साइड मूव कर रहा हूँ, इस साइड क्लॉक वाइज में मैं मूव कर रहा हूँ, तो क्लॉक वाइज में सबसे पहले मेरे पास नेगेटिव बैटरी का प्लेट पड़ रहा है, तो नेगेटिव बैटरी का प्लेट पड़ रहा है, दैट मींस कि मुझे माइनस 10 लिखना है। रेजिस्टेंस में जिस साइड में आपका करंट फ्लो करता है तो जनरली करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज टू नेगेटिव वोल्टेज होता है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ वो करंट फ्लो करता है, इसलिए मैं इसको प्लस आई आर लिखा, क्योंकि इस पोटेंशियल पे इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू इस पॉइंट का पोटेंशियल। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव प्लेट पड़ रहा है तो इसीलिए मैंने प्लस 0.7 लिखा। ये क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है, केवल एक आवाज आ रही है? प्लीज रिपीट अगेन सर। ठीक है। सो मेरा कन्वेंशन देखो, आप सबका अपना अलग कन्वेंशन होगा, कोई मेरे रूल को फॉलो कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा, ठीक है? आपको जो सही लगता है आप उससे करो, बस आपको याद क्या रखना है कि जो आप फॉलो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, अगर वो सही है, आंसर आपका आ रहा है, दैट मींस कि आप वो फॉलो करो। लेकिन मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट इजी पड़ता है क्योंकि मुझे फिर कंफ्यूजन नहीं होता, आपको जो समझ में आ रहा है वो करना, मेरा क्या है मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो फॉलो कर सकते हो, बट बिलीव इन योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हो वो सही है, बाकी मेरा भी आप देख सकते हो। तो मैं जो मेरा कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ कि जो पहले तो मैं करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करता हूँ कि करंट किधर से किधर मूव करेगा, तो इस सर्किट में ऑब्वियस है कि 10 वोल्ट की बैटरी है हायर, तो जो करंट जनरेट होगा वो 10 वोल्ट की बैटरी के थ्रू होगा और करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉक वाइज में, ठीक है? तो क्लॉक वाइज पहले मैंने डायरेक्शन बना दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे यह भी पता है कि जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है जनरली। ये क्लियर है सबको, रेजिस्टेंस में कैसे करंट फ्लो करता है? हाँ ना? हाँ सर। ठीक है। तो जनरली जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो ऑब्वियसली सर्किट में अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है? तो मैं जब इसको मेजर करता हूँ तो प्लस आई आर लिखूंगा, ठीक है? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है विद रिस्पेक्ट टू ये वाली वैल्यू। जो मैं बैटरी के साथ करता हूँ वही सेम प्रोसेस में रेजिस्टेंस के साथ भी करता हूँ, अगर इस रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ आप रिप्लेस करना चाहोगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो ऐसा ही कुछ शो करेगा साइन, पॉजिटिव वाला साइड इस साइड होगा, मतलब पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव इसके पीछे होगा, ऐसे आप रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हो बैटरी से, आई आर इसकी वैल्यू होगी, ठीक है? जो भी आई करंट फ्लो कर रहा है और आर की वैल्यू होगी। तो अब आप देखो अगर मैं रेजिस्टेंस को इस बैटरी से रिप्लेस करता हूँ तो सिंपल हो गया, माइनस प्लेट पहले पड़ रहा है तो मैंने लिखा माइनस जो उसकी वैल्यू थी 10, फिर यहाँ पे जो इस रेजिस्टेंस में आपका करंट फ्लो हो रहा है उसके थ्रू वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है वो होगा आई आर, तो पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ रही है तो मैंने लिखा पॉजिटिव आई आर, और प्लस, प्लस क्यों लिखा क्योंकि फिर मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है डायोड का और वैल्यू है 0.7, प्लस 0.7 इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? अगर रिपीट करना है तो फिर से रिपीट करूंगा मैं।
किसी को कोई डाउट? नो सर। सर व्हाट इज दैट 0.7? 0.7 इज कटिंग वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिलिकॉन डायोड दिया है, इसकी वैल्यू नहीं दिया कटिंग वोल्टेज की, तो ऑब्वियसली आपको याद रखना होगा, यू हैव टू रिमेंबर कि सिलिकॉन डायोड के केस में 0.7 होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 होता है। आप अगर 0.6 लेना चाहते हो तो यू कैन टेक इट, बट यू हैव टू मेंशन इट इन दी आंसर। ठीक है, आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि वी आर टेकिंग 0.6 वैल्यू ऑफ कटिंग वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड। तो मैंने यहाँ पे 0.7 लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे आप देखो -10 है और +0.7 है, इन दोनों को आप एडअप करोगे तो -9.3 आएगा, और 9.3 को इधर माइनस में है, जब दूसरे साइड आप ले जाओगे राइट हैंड साइड तो +9.3 हो जाएगा। क्लियर है? और 9.3 में आर की वैल्यू आपकी गिवन 1 किलो, तो 9.3 डिवाइडेड बाय 1000 जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो 9.3 मिली एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? Is it clear to all of you? इस इक्वेशन से आई की वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, आप खुद करो। 9.3 मिली एम्पीयर। यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। नाउ अब हम जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन रीड करो आप। द करंट फ्लोइंग इन अ सर्टेन पीएम जंक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मींस 25 और 27 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली हम 300 डिग्री केल्विन लेते हैं, 300 डिग्री केल्विन फॉर इजी कैलकुलेशन, और 27 डिग्री सेल्सियस हम रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं। तो 300 डिग्री केल्विन पे जो करंट फ्लोइंग इन द पीएम जंक्शन इन अ सर्टेन पीएम जंक्शन एट रूम टेम्परेचर इज 2×10⁻¹ एम्पीयर। ठीक है, अब ये करंट की वैल्यू नहीं बताया कि ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। आगे बोल रहा है व्हेन अ लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड। तो आपसे बोल दिया कि लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड, तो ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कौन सी वैल्यू है, फॉरवर्ड करंट की वैल्यू है या रिवर्स करंट की वैल्यू है? रिवर्स करंट, रिवर्स करंट। तो IF वैल्यू है या IS वैल्यू है? IS। ठीक है, सो आपको ये गिवन है IS वैल्यू 2×10⁻¹ एम्पीयर। कैलकुलेट द करंट व्हेन अ फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 0.1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि जब 0.1 वोल्टेज डायोड के अक्रॉस अप्लाइड है तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करोगे आप? शॉर्टली क्वेश्चन पढ़ाया था अभी, भूल गए शॉर्टली क्वेश्चन अभी तो पढ़ाया था। ये वाली क्वेश्चन ये दिख रहा है? यस सर। इसी क्वेश्चन में क्या गिवन है? IS गिवन है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। सॉरी, VF given है 0.1 volt, question में देखो आप, forward voltage VF given है 0.1 volt is applied across the junction, और VT given है, VT कैसे निकाल सकते हो आप? Room temperature दिया हुआ है, room temperature मतलब 27 degree Celsius, means 300 degree Kelvin, और 300 degree Kelvin पे जो value आती है वो 26 millivolts आती है, 26 या 25 मिलीवोल्ट्स। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है, क्या क्या? IS, VF और VT। अब हमें N फाइंड आउट करना है, N तो गिवन नहीं है, N कई क्वेश्चन में गिवन है, कहीं सिलिकॉन जर्मेनियम लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है,
ठीक है, तो इस केस में हमेशा याद रखना कि बाय डिफॉल्ट एन की वैल्यू 1 होती है, हम मान के चलते हैं कि जर्मेनियम डायोड है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास एन की वैल्यू 1 है, वीटी आपका 26 मिली वोल्ट है, बीएफ आपका 0.1 वोल्ट है, तो आप ई टू द पावर 0.1 डिवाइड बाई 26 मिली वोल्ट माइनस 1 फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, और उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एम्पियर से, तो आपको फॉरवर्ड करंट की वैल्यू आ जाएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू नहीं आएगी, कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो उससे आप घबराने मत क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस लेना है। हाँ, 27 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करोगे तो कितना होगा? 300 डिग्री केल्विन। तो 300 डिग्री केल्विन को जब आप इस वैल्यू में, जो आपको वीटी की वैल्यू बताई थी मैंने, केटी बाई क्यू, इसमें आप जब पुट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली 26 मिलीवोल्ट आती है, ये याद रखने की वैल्यू है। कभी भी आपको रूम टेम्परेचर दिया है तो आपको 26 मिलीवोल्ट यूज करना ही करना है, 26 या 25 मिलीवोल्ट, ये आप याद कर लो। कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि यू कैन इमेजिन कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 23, तो 10 टू द पावर माइनस 23 का कोई दिक्कत नहीं है, बट 1.38 और डिवाइड बाय 1.6 आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे बहुत टाइम लगेगा। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला को मैं बस यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप याद कर सकते हो, टी डिवाइडेड बाय 11,400। ये इसकी वैल्यू होती है k बाय q की, q बाय k अगर कहो तो आप, क्योंकि q बाय k की वैल्यू आप निकाल रहे हो, ये होती है 11,400। क्लियर है? दिख रहा है आपको स्क्रीन? मैंने ग्रीन कलर से लिखा है कुछ। हेलो, दिख रहा है तो प्लीज कंफर्म। सर क्या लिखा है? टी बाय यस सर 11,400। किसका वैल्यू होता है? वीटी का वैल्यू होता है। क्यू बाय के, क्यू बाय के, इस इक्वेशन में देखो वीटी इक्वल्स टू के टी बाय क्यू। अच्छा अच्छा, टी बाय क्यू, तो मैंने क्या किया है, टी को एज इट इज रखा है जो कि टेम्परेचर इन केल्विन है, और क्यू बाय के की वैल्यू को मैंने लिख दिया है बस। तो क्यू बाय के की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो यू विल फाइंड 11,400, 11,400 इसकी वैल्यू होती है। जनरली जब टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है तो रूम टेम्परेचर दिया होता है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमें पता है कि हम या तो 25 मिलीवोल्ट या 26 मिलीवोल्ट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हमारा क्वेश्चन में आस्क है। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? ये वाले क्वेश्चन हमें अब क्लियर नहीं, ये थर्ड वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? थर्ड वाला क्वेश्चन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर, ट्राई करके देख लेना, जो भी आंसर आएगा उससे मैच नहीं करेगा। अब चौथे क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द टोटल करंट आई थ्रू द फॉलोइंग सर्किट, द डायोड्स D1 एंड D2 आर सिलिकॉन डायोड्स, R1 R2 की वैल्यू गिवन है, आंसर गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है। इस सर्किट को आप कर सकते हो जैसे मैंने पहला वाला सर्किट क्वेश्चन बताया था, ये वाला वैसे आप इसको कर सकते हो, करके बताओ क्या आएगा, बहुत इजी है। केवीएल अप्लाई करना है आपको सिंपल, 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके बताओ। Thank you.
सर 2 मिली एम्पीयर आ गया। कांग्रेचुलेशंस। और किसी का आया? यस सर। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा था? यस सर, आ गया सर। यस सर। तो ये मूवमेंट है, आपने वैसे ही किया होगा, माइनस सिक्स इसको लिया होगा, माइनस सिक्स प्लस सर इसका हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस आर वन आई प्लस जीरो पॉइंट सेवन प्लस आर टू आई प्लस जीरो पॉइंट सेवन। करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है, यस सर, मेरा भी वही है। आई थिंक सबको आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं पांचवे क्वेश्चन पे। पांचवा सर, मैं जैसे लेता हूँ सर, मैं जैसे लेता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं ना? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सेम आंसर रहेगा। आप यू कैन मैच, मैच कर सकते हो। हाँ सर, मैं सर सही आया वही वाला, एकदम सेम आंसर आएगा। बस कन्वेंशन में डिफरेंस है कि आप थोड़ा डिफरेंट लेते हो, मैं थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ। ओके सर, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है, आपको उस वाले उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। तो एज पर योर सुटेबिलिटी यू कैन चूज एनी वन मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा क्वेश्चन आपको करना है, पांचवा ट्राई करो। सर इसमें डायोड पैरेलल में है, इसका कंडीशन पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं? बताओ पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सीरीज और सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंस क्या? पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड होता है, फिर से याद करो। नहीं सर, करंट डिवाइड होता है। इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे करंट आएगा तो करंट डिवाइड होगा कि वोल्टेज डिवाइड होगा? करंट डिवाइड होगा ऑब्वियसली। इसका कनेक्शन और इसके कनेक्शन दोनों का, दोनों डायोड का सेम है, तो ऑब्वियसली जो वोल्टेज अक्रॉस डी वन होगा वही सेम वोल्टेज अक्रॉस डी टू होना चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पैरेलल में है तो क्यों वोल्टेज सेम होना चाहिए? आया ना? यस सर। एक ही आवाज आ रही है, थक गए क्या? हेलो। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो हमारा वोल्टेज सेम होना चाहिए दोनों का। अभी हम दूसरा एक केस डिस्कस करेंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है कि सिलिकॉन डायोड से, तो सिलिकॉन डायोड से तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0.7 वोल्ट होगा अगर इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो, और ये भी सिलिकॉन डायोड है तो इसका भी 0.7 वोल्ट होगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐड करोगे यार? ऐड क्यों करोगे? पैरेलल में वोल्टेज ऐड होते हैं जब सेम है तो। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रखना होता है। ठीक है, अब ट्राई करके देखो कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट आई। आंसर मैच नहीं करेगा इसमें, मिलाते मत रह जाना, कुछ भी आंसर आए बताना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फाइव पॉइंट सिक्स मिलियन
नहीं 5.6 नहीं आएगा, फिर से चेक करो। R1 की वैल्यू है 3 किलो ओम। सर 1.67 मिलियन। इसी के अराउंड आएगा। अब देखो कैसे हो रहा है, माइनस 12, इसका आपने माइनस 12 लिखा होगा, प्लस आई माइनस 12 प्लस R1I प्लस 0.7 प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो ठीक है, तो यहां से आपको I मिल जाएगा, क्लियर है? तो 5.3 डिवाइड बाय 3 आप करके निकाल लेना, जो भी आएगी 1.7 कुछ नहीं आएगी, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज ये दोनों डायोड डिफरेंट हो, एक सिलिकॉन डायोड है एक जर्मेनियम डायोड है, तब क्या होगा यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस, आप बताओ। बताइए सर एक बार फिर से बोलिए। 0.7 माइनस 0.3 हो जाएगा। नहीं ये नहीं हो सकता, दिमाग में लगा रहे हो। पैरेलल में हमेशा कोई भी कंडीशन हो, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज मस्ट बी सेम, वोल्टेज हमेशा सेम होनी चाहिए, तो यहाँ माइनस का और प्लस का तो होना ही नहीं है। आपने ये ग्राफ बहुत पहले भूल गया, ये वाला ग्राफ तो मैंने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, ये वाली एक सिलिकॉन है एक जर्मेनियम है, सपोज आप दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कौन सा डायोड पहले वर्क करेगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम, किसकी कट ऑफ कम है? जर्मेनियम। जर्मेनियम की, जैसे ही आप सप्लाई वोल्टेज 0.3 से ऊपर जाओगे जर्मेनियम आपका शॉर्ट हो जाएगा, सिलिकॉन को शॉर्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, D1 और D2 है, सपोज D1 आपका सिलिकॉन डायोड है एंड D2 आपका जर्मेनियम डायोड है, तो आपका वोल्टेज आपने दिया है 6 वोल्ट, अगर आप इन दोनों को माइनस करो, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, इधर से माइनस 12 प्लस 6 करोगे आप तो प्लस 6 वोल्ट आ रहा है, तो 6 वोल्ट ऑब्वियसली 0.7 और 0.3 से बहुत बड़ा है, तो कोई ना कोई डायोड तो वर्क करेगा ही। अब कौन सा वर्क करेगा, जो आपका कम पोटेंशियल कट ऑफ है उसका, तो कम पोटेंशियल वाले को पहले शॉर्ट कर दोगे, जैसे ये शॉर्ट करोगे 0.3 वोल्ट से तो इधर कोई करंट ही नहीं जाएगा, आप कितने भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ जो भी करंट फ्लो करना होगा वो 0.3 वोल्टेज वाले पाथ को चूज करेगा, क्लियर है सबको? क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अगर डी टू रिवर्स बायस्ड होता तब क्या होता? रिवर्स बायस्ड होता तो ऑब्वियसली उसका कोई मतलब ही नहीं है, ओपन सर्किट हो जाएगा। रिवर्स बायस्ड क्या होगा, मैंने क्या बोला कि D1 और D2 दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, D1 और D2 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको ये हमेशा बात ध्यान में रखनी है कि जब पैरेलल में हम बात करते हैं तो पैरेलल में वोल्टेजेस आर सेम, जो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो तो कोई भी सर्किट हो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो एट एनी इंस्टेंट एट एनी मोमेंट आपका सेम होगा वैल्यू वोल्टेज। अब यहाँ पे पहले जब हम सिलिकॉन ले रहे थे तो दोनों की सिलिकॉन की कट ऑफ वैल्यू 0.7 थी, तो कोई हमें दिक्कत नहीं थी सॉल्व करने में, क्योंकि 0.7 दोनों का है तो दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और इजिली करंट मूव करेगा। बट जब एक की वैल्यू 0.3 है और एक की वैल्यू 0.7 है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब दोनों पैरेलल में होंगे तो सबसे पहले कट ऑफ कौन क्लियर करेगा, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जैसे ही कट ऑफ क्लियर करेगा तो क्या होगा, उसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा, और जब ये करंट फ्लो कर रहा है
इधर क्यों जाएगा, वो 0.7 तक क्यों जाएगा? इधर से शॉर्ट सर्किट हो गया, सारा करंट इधर फ्लो कर रहा है इसलिए, तो भाई उधर 0.7 तक जाएगा तो उसमें सिलिकॉन का कोई रोल नहीं होगा सर, कोई रोल नहीं होगा, वो ओपन सर्किट एज अ ट्रीट होगा, क्योंकि आप 0.7 से पहले अगर आप देख लो, 0.7 से 0.3 के बीच में भी ये ओपन सर्किट है, जीरो करंट है, तो जब जीरो करंट है तो कोई मतलब ही नहीं है, आप कितना भी करंट वोल्टेज बढ़ा लो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.3 सेट हो गया एक बार ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसका सिंपल हो जाएगा सर, हाँ। इसका सिंपल हो जाएगा -12 प्लस R1 I प्लस 0.3 प्लस 6 हाँ एकदम करेक्ट, ठीक है, तो इससे जो I की वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सपोज ये दोनों सिलिकॉन है या दोनों जर्मनी में, तो दोनों में करंट की वैल्यू क्या होगी, जो आप I कैलकुलेट कर रहे हो पूरे सर्किट में उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। कितनी होगी? सपोज R1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है, तो D1 और D2 के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू क्या होगी? I/2 प्लस I/2। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। क्यों I/2 होगी? क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है जो थ्रू R1 है वो सेम करंट 6 वोल्ट के सेम पार्ट में डिवाइड हो, तो ये दोनों सेम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों आपके सिलिकॉन डायोड है, तो दोनों में इक्वल करंट डिवाइड होगा। इक्वल करंट कैसे डिवाइड होगा? I1 है तो I1/2 डिवाइड हो जाएगा। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, मतलब पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम, ठीक है, आसान है? यस सर। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो आपने इजिली कैलकुलेट कर लिया, मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें देखना। उसमें एक पोटेंशियल ऐसा होगा, पहले आपको जो ये पोटेंशियल गिवन है ना, जो ये सप्लाई वोल्टेज गिवन है, इसको हमेशा चेक करना होता है कि 0.7 से ज्यादा है भी कि नहीं है। अगर आप सिलिकॉन डायोड ले रहे हो 0.7 वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हो, 0.7 से कम 0.6 वोल्टेज दे दे रहे हो, तो ये काफी क्लियर नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में। ये बात क्लियर है सबको? मैंने क्या बोला कि सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू अगर कट ऑफ वोल्टेज से कम है, मतलब 0.7 वोल्टेज से कम है इसकी वैल्यू सप्लाई वोल्टेज की, तो करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में। सब अग्री कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट में, आप केयरफुली उसको देखना कि क्या हो रहा है उसमें। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप आंख मूंद के डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत कर देना, V=IR या सर्किट का फॉर्मूला कोई भी यूज करके केवीएल लगा के पूरा निकाल के बैठ गए तो पता चले कि करंट ही जीरो था। बात समझ में आई आपको? तो हमेशा आप सप्लाई वोल्टेज को चेक कर लिया करो कि वो 1 वोल्ट से ज्यादा है कि नहीं है। एक 2 वोल्ट अगर ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये जो भी डायोड है वो ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस तो होगा ही होगा। और कनेक्शन भी चेक कर लिया करो कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है कि नहीं। अब सपोज यहाँ पे मैं एक और कंडीशन रखता हूं, मैं कि मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 12 वोल्ट में लगा के यहाँ पे 6 वोल्ट लगाता हूँ और यहाँ पे 12 वोल्ट लगाता हूँ, करेक्ट होगा? आप बताइए। मैंने क्या किया कि वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, पोलैरिटी सेम रखा बैटरी की, वैल्यू इंटरचेंज कर दिया बैटरी से। अब आप बताओ करंट फ्लो होगा सर्किट में? बताइए सर। रिवर्स हो जाएगा शायद। क्या रिवर्स होगा? रिवर्स बायस। हाँ, रिवर्स बायस हो जाएगा। दूसरा देखो, आप एक तो ये तरीका है कि आपने पूरा वोल्टेज निकाल लिया, आपने देखते देखते बता दिया कि भाई यहाँ पे अगर आप 6 वोल्ट लगाते हो, यहाँ पे 12 वोल्ट लगाते हो, तो -6 प्लस 12 करोगे तो ऑब्वियसली जो करंट आएगी वो नेगेटिव आएगी, बट जो करंट हमने माना है डायरेक्शन वो उस साइड होनी चाहिए क्लॉकवाइज, बट उसके अकॉर्डिंग हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो करता ही नहीं है। तो वहां से आप कंक्लूड कर सकते हो
कि जो डायोड है वो आपके रिवर्स बायस में, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, 12 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट लगाया, यहाँ पे पोलैरिटी सेम रखा बैटरी का, यहाँ पे जो बैटरी है इस बैटरी का वोल्टेज मैंने 12 वोल्ट रखा, अब यहाँ पे ये 12 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, पोलैरिटी सेम एज इन गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो अब जैसे पोलैरिटी है वैसे सेम है, तो पिछले केस में जो हमारा करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, अब वो करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब जब करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट मींस कि हमने करंट की डायरेक्शन तो मानी थी क्लॉकवाइज, लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? यस। क्लियर है सबको? करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उसका मतलब क्या होता है, जो हमने डायरेक्शन चूज किया है पहले से वो डायरेक्शन नहीं, उसका अपोजिट डायरेक्शन है, बस यही मतलब होता है। जब आपके करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका मतलब यही होता है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन चूज की है वो डायरेक्शन नहीं है, उसका अपोजिट डायरेक्शन है। तो उससे आपको यही पता चल जाएगा कि जो करंट की डायरेक्शन हमें आ रही है वो आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, और हम डायोड का जो पोजिशन देख रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्या पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो नहीं हो सकता थ्रू डायोड। तो हम क्या मानेंगे, डायोड इज इन रिवर्स बायस। रिवर्स। क्लियर है सबको? तो इतने सारे तरीके के क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मैं फ्रेम कर सकता हूँ और आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो आपको केयरफुली चेक करना होगा हर कंडीशन की फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तो आपका डायरेक्टली करंट की डायरेक्शन से पता चल जाएगा, बट जो क्रिटिकल कंडीशन है वो क्या फॉलो होना चाहिए, जो सप्लाई वोल्टेज है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज ऑफ डायोड। तो जो सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं यहाँ पे, जो 12 और 6 का इक्विवेलेंट आ रहा है हमारे पास 6 वोल्ट, वो आपका 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सर्किट करंट फ्लो करवाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। एक ही आवाज आ रही है बस। क्लियर सर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बिल्ट इन पोटेंशियल पे बनता है। बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है, जो मैंने ये वाला पोटेंशियल जो कटिंग वोल्टेज है, जो अभी तक मैं बात कर रहा हूँ डायोड के बारे में, उसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, ये वाला, ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल, ठीक है, या कटिंग वोल्टेज या बहुत सारे कट ऑफ वोल्टेज, बहुत सारे नाम है इसके। तो इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका यहाँ पे गिवन है, हिंट में देखो आप, V बिल्ट इन या V कट ऑफ इक्वल्स टू VT मल्टीप्लाइड बाय LN, LN आपका नेचुरल लॉग है E बेस वाला, और ये LN किसके लिए गया है, MA मल्टीप्लाइड बाय ND डिवाइड बाय आपका इंट्रिंसिक करियर कंसेंट्रेशन। क्लियर है सबको? इन्हें क्या होता है, एसेप्टर कंसेंट्रेशन। एसेप्टर मीन्स कौन सा एसेप्टर होता है, बोरान वाला। यस सर। P साइड आपका एसेप्टर होता है, P साइड जो बनाते हो आप P टाइप सेमीकंडक्टर, वो एसेप्टर्स से बनाते हो, और डोनर से क्या बनाते हो आप, N टाइप सेमीकंडक्टर। तो N टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग हुई है, डोपेंट्स की जो कंसेंट्रेशन है, उसको हम बोलते हैं ND। ND हम बोलते हैं जो P साइड में आपने एसेप्टर्स की, जो बोरॉन्स की आपने की है डोपिंग, उसको हम बोलते हैं NA। Ni क्या होता है, इंट्रिंसिक करियर कंसेंट्रेशन, जो इंट्रिंसिक केस में होता है कंसेंट्रेशन। क्लियर है सबको? यस सर। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, आपको Na, Nd और Ni की वैल्यू गिवन है, और Vt भी आप इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको पता है 26 मिली वोल्ट या 25 मिली वोल्ट आप ले सकते हो। यहाँ देखो पीएम जंक्शन कोई भी एक ले सकते हो, एक्चुअली जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वो पॉइंट
0257 होती है, तो 0257 को हम जनरली 026 ले लेते हैं। जैसे सेवंथ क्वेश्चन में आप देखो, अज्यूम करके लिया हुआ है, ठीक है, अज्यूम करके 26 मिलीवोल्ट लिया हुआ है, तो भी मतलब उसी आपके रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो आप जब ये वैल्यू लेके कैलकुलेट करोगे तो ये आपके आंसर जो है वो गिवन है आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना बिल्ट इन पोटेंशियल का, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जब आपके पास डोनर कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर गिवन है और इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन और एक्सेप्टर कंसेंट्रेशन गिवन है, तो बिल्ट इन पोटेंशियल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, सब सब क्लियर सबको? यस सर। यस सर। सेवेंथ में आप इजिली निकाल सकते हो, सेवेंथ में भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। ND, NA, NI गिवन है, VT आपको गिवन है, यहाँ पे KT by Q, तो इजीली आप बैरियर पोटेंशियल या कटिंग वोल्टेज या बिल्ट इन पोटेंशियल, बहुत सारे नाम है जो बोल रहा था मैं। देखो यहाँ पे कैलकुलेट बैरियर पोटेंशियल बोला है, यहाँ पे बिल्ट इन पोटेंशियल बोला है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। फिर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, आठवें क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर EBI for silicon, germanium and GaAs, PN junction, if they each have the following dopant concentrations at T equals to 300 Kelvin. तो हमें EBI find out करना है जब NA ND दिया है और T दिया हुआ है, तो ये भी find out आप कर सकते हो, ये भी आसान है। NA ND और NI दिया हुआ है आपको दोनों केस में, और GaAs के केस में भी दिया हुआ है, तो ये easily आप find out कर सकते हो। आठवां भी, नाइन्थ वाले में आप बस एक काम करना, नाइन्थ वाले में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द चेंज इन डायोड वोल्टेज दैट विल कॉज अ फैक्टर ऑफ 10 इंक्रीज इन करंट, अ फैक्टर ऑफ 100 इंक्रीज इन करंट। तो इसमें नाइन्थ वाले में आपको क्या करना है कि जो इक्वेशन है शॉर्टकी में, शॉर्टकी इक्वेशन है ये वाली, इसमें आपको -1 नेगलेक्ट कर दो, तभी आप वोल्टेज डिफरेंस फाइंड आउट कर पाओगे। मैं -1 क्यों नेगलेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको याद हो a टू द पावर जो एक्सपोनेंट होता है e टू द पावर x1 डिवाइड बाय e टू द पावर x2, वो इक्विवेलेंटली होता है e टू द पावर x1 माइनस x2। याद है सबको मैंने क्या बोला? यस सर। e टू द पावर x1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x2 इक्वल्स टू होता है e टू द पावर x1 माइनस x2। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, कैलकुलेट द चेंज इन डायोड वोल्टेज व्हेन करंट चेंजेस बाय द फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, तो हमारा करंट चेंज हो रहा है 10 से, तो चेंज इन वोल्टेज क्या होगा? तो आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे चेंज इन वोल्टेज जब आप आई को, अरे 1 को नेग्लेक्ट करोगे। तो जब 1 को आप नेग्लेक्ट करोगे तो ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, IF equals to IS multiplied by e to the power VF1 डिवाइड बाई MVT, और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, IF2 equals to IS multiplied by e to the power VF2 divided by MVT. अब MVT तो दोनों केस में सेम है क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है आपका और मटीरियल भी आपने कॉन्स्टेंट रखा है, तो N और VT की वैल्यू तो सेम रहेगी। जब डिवाइड करोगे तो IS आपका सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल जो बचेगा वो IF2 divided by IF1 equals to e to the power VF2 minus VF1 divided by NVT. तो VF2 minus VF1 आपको find out करना है, और I2 by I1 divide आपको given है 10 value और दूसरे केस में 100 value, तो आप easily find out कर सकते हो। सबको clear है कि किसी को doubt है? डाउट है तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सर अभी जो बताया फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, उस थोड़ा लिख के बता दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है I2 डिवाइडेड बाई I1
I2 divided by I1 equals to IS, IS cancel out हो जाएगा e to the power V2 V2 minus V1 divided by N VT. ये इक्वेशन आएगी दिख रहा है सबको I2 divided by I1 equals to e to the power V2 minus V1 divided by N VT. क्लियर है कि फिर से लिखें? यस सर यस सर ठीक है अब हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन देखो फैक्टर ऑफ 10 इंक्रीजिंग करंट तो 10 इंक्रीजिंग करंट मतलब I2 equals to 10 times I1 तो यहां पे I2 by I1 equals to 10 हो जाएगा इसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 यहां पे ये 10 वैल्यू गिवन है ठीक है और यहां पे V2 minus V1 फाइंड आउट करना है हमें n vt अगर आपका n की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट n 1 होती है वैल्यू और vt आप 26 मिलीवोल्ट या 25 मिलीवोल्ट मान के आप निकाल सकते हो तो इजीली आप क्या करोगे दोनों साइड ln लोगे log लोगे log लोगे तो ln लेते ही e वाला जो कंपोनेंट है वो ln का फैक्टर e 1 हो जाता है और ये आपका पूरा का पूरा फैक्टर बच जाएगा v2 - v1 / n vt और यहां पे ln 10 हो जाएगा तो जो फाइनल वैल्यू आएगी डिफरेंस इन वोल्टेज वो आएगा n vt n vt अगर n की वैल्यू 1 मानते हो तो vt मल्टीप्लाइड बाय ln 10 ठीक है vt मल्टीप्लाइड बाय ln 10 ये फाइनल वैल्यू आएगी डिफरेंस इन वोल्टेज और दूसरा वाला अगर क्वेश्चन देखोगे फैक्टर ऑफ 100 तो उसमें यहां पे क्या हो जाएगा vt ln 100 तो आप दोनों में चेक करके देख लो यहां से आप क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हो जो दोनों में चेंज है वो 2 का चेंज है ट्वाइस हुआ है पहले में 60 मिलीवोल्ट आ रहा है और दूसरे में 120 मिलीवोल्ट आ रहा है तो अगर हम ln 10 वाले वैल्यू को 60 मिलीवोल्ट मानते हैं तो 100 क्या होता है 10 टू द पावर 2 तो यहां 10 टू द पावर 2 होगा तो ये 2 ln में आगे आ जाता है आपको अगर याद हो तो जो भी वैल्यू आप पहले वाले में पाओगे उसका जस्ट डबल होगा दूसरे वाले केस में क्लियर है सबको यस सर किसी को कोई डाउट या फिर से एक्सप्लेन करना है नो सर नो डाउट ठीक है तो ये आज का आपका क्लास है टोटल ठीक है मैंने टेस्ट लिंक जनरेट किया हुआ है आईएमसीआरपी पे सो आप 2 बजे तक आप आईएमसीआरपी पे टेस्ट दे सकते हो उसके बाद अगर आपको टेस्ट देना है तो गूगल फॉर्म में शेयर करूंगा उस पे आप दे सकते हो और दोनों पे देने की कोशिश मत करना कोई फायदा नहीं आपका डेटा लॉस होता है फालतू का तो देयर इज कोई जरूरत नहीं है उसमें आपको मतलब करने का फालतू डेटा आप क्यों खर्च करोगे और किसी को अगर डाउट हो तो पूछो और आप अपना सजेशन दो कि न्यूमेरिकल रखा जाए या ना रखा जाए आप कहोगे तो एक न्यूमेरिकल डाल दूंगा ठीक है सर रखा जाए रखा जाए कितने लोग हैं न्यूमेरिकल के पक्ष में कितने लोग अगेंस्ट में इजी न्यूमेरिकल ओनली ठीक है इजी से टफ सारे तो समझा दिए इजी रहेगा तो ज्यादा रहेगा अनिकेत चलेगा सर इजी रहेगा तो सर 2-3 ही दे दीजिएगा यस सर तो ज्यादा रहेगा अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन चलेगा सर उसमें थ्योरी नहीं ना लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में ना 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 एक न्यूमेरिकल रहेगा उसमें पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही रहेगा ठीक है तो जितना मैंने एक्सप्लेन किया है ठीक है जितना भी एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से आप पढ़ लेना आज का एक न्यूमेरिकल डाल दूंगा ज्यादा ज्यादा 4 थ्योरी पार्ट रहेगा
और इजीली आप सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो देख लेना फिर से, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि अगला तो एग्जाम चालू हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कभी अगर खाली मिला तो बीच में। तो जिसको जिसको डाउट होगा उसमें एग्जाम प्रोसीजर भी शुरू आपको पता चल जाएगा, आपका एग्जामिनेशन टीम के जितने भी मेंबर हैं वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कैसे एग्जाम आपको देना है। तो नो नीड टू वरी अबाउट द एग्जाम प्रोसीजर, वो आपको सब डिफाइन करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन राइट करना है, कैसे आपको अपलोड करना है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट है या क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज आज का सेशन मैं कंप्लीट करता हूँ। जो अब तक पढ़ाया है मैंने केवल उतना ही आएगा, आउट ऑफ द सिलेबस में कोई भी नहीं दूंगा क्वेश्चन। ऐसा आप नहीं पाओगे जो क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराया है या जो भी थ्योरी मैंने क्लास में नहीं कवर किया है, तो इससे आप निश्चिंत रहो। जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा आप देख लेना। हिस्ट्री पार्ट छोड़ देना जो मैंने एक क्लास में बताया था क्या आप छोड़ सकते हो और क्या आप पढ़ सकते हो, तो हिस्ट्री पार्ट आप पूरा स्किप कर सकते हो, हिस्ट्री पार्ट से नहीं पूछा जाएगा। बाकी जितना भी पढ़ाया है वो अभी तक के सिलेबस में मेंशन है नहीं है वो सारा आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए उसमें ऐसा नहीं है कि मैं पहले मिक्सिंग में आपको वहां से दे सकूं, क्योंकि अभी बेसिक पढ़ाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो मुझे कुछ ना कुछ पोर्शन तो बेसिक से पूछना पड़ेगा। बट आपका जो एंड सेम होगा उसमें आप उसको स्किप कर सकते हो, एंड सेम में आपसे वही पूछा जाएगा। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो टेस्ट अटेम्प्ट करिए और मिलते हैं आफ्टर मिड सेम। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि सबको मैक्सिमम मार्क्स दूं। ठीक है।